मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। हम लोग ये वीडियो में कंप्लीट गेमिंग लैपटॉप्स के प्राइसेस देखेंगे क्या चालू है। अभी मैं आया हूँ तो ओवरक्लॉकर्स में जाके देखते हैं कि गेमिंग लैपटॉप्स के क्या प्राइसेस चालू है। हम लोग ये वीडियो में ए टू जेड गेमिंग लैपटॉप्स कवर करने वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम बजट गेमिंग लैपटॉप्स टू हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स। चलो देखते हैं कि क्या प्राइसेस चालू है। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, आपको ए टू जेड गेमिंग लैपटॉप्स बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर, आपके शॉप के बारे में हमें जरा बताना, आपका शॉप लैमिंगटन रोड में एक्जैक्टली आता किधर है? हमारा शॉप एक्जैक्टली लैमिंगटन रोड पे ऑपोजिट टू डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए आपको तो टोपी वाला लेन किसी को भी पूछिए, उसी के नाके पे है। और शॉप का नाम है द ओवरक्लॉकर। हम जो डील्स करते हैं लैपटॉप के, सारे गेमिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप में डील करते हैं। ऑल आईटी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, पेरिफेरल्स एंड एवरीथिंग। और ये है मेरे पार्टनर अंकेश, और हम लोग आपको जितना भी रिक्वायरमेंट्स है, आपके सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोग फुलफिल करेंगे। आप डेस्कटॉप ले लीजिए, आप लैपटॉप ले लीजिए, आपको सब कुछ हमारे पास एवरीथिंग पूरी रेंज में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो है सर, हम लोग कंप्लीट गेमिंग लैपटॉप्स में देखेंगे आपके पास क्या रेंज से गेमिंग लैपटॉप चालू होते हैं। गेमिंग लैपटॉप की रेंज हम आपको स्टार्ट करेंगे लिंकेश भाई। हमारी गेमिंग लैपटॉप की स्टार्टिंग रेंज आपको 50,000 से स्टार्ट होती है। उसके बाद जैसा आप लेना चाहोगे वैसा हमारे पास सारी रेंज के लैपटॉप और सारी ब्रांड्स के अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ आपके एमएसआई के जो बजट लैपटॉप है वो सारे अरेंज कर दिए, तो स्टार्ट करते हैं वो बजट लैपटॉप से। बजट लैपटॉप में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? बजट लैपटॉप में अगर आप 50-60 की रेंज में अगर कोई अच्छा गेमिंग लैपटॉप चाहते हो तो फिर ये आएगा आपको एमएसआई का i5 10 जनरेशन 10500H, जो आता है 6 कोर्स के साथ, 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है। और इसमें आपको 8GB की रैम, 512GB SSD और GTX 1650 Max Q का ग्राफिक आएगा। इसकी साइज है 15.6 स्क्रीन और ये आएगा आपको 53,000। और अगर इसमें सर देखने जाए RTX में, क्योंकि ना अभी बहुत लोग बोलते हैं 1650 जरा पुराना हो गया, 10 जनरेशन जरा पुराना हो गया, RTX सीरीज में अगर देखने जाए RTX सीरीज में कितना फर्क पड़ेगा अगर 3050 देखने जाए? अगर आप सेम अगर MSI का ही सेम कॉन्फिगरेशन लेते हो, जैसे कि यही सेम प्रोसेसर, रैम सेम, एवरीथिंग सेम, इसमें खाली ग्राफिक कार्ड आपको आएगा RTX 3050। अब ये जो है MSI का सेम कॉन्फिगरेशन, इसमें सिर्फ अपना जो ग्राफिक कार्ड है वो RTX 3050 है और इसका रेंज आता है आपको 60,000 तक। 60,000 में हमें 3050 तक मिल जाएगा 100%। और अगर इसमें देखने जाए सर, ये तो MSI के हो गए, RTX सीरीज में सबसे सस्ते जो लैपटॉप्स है सर गेमिंग लैपटॉप्स, वो क्या रेंज से चालू होते हैं इसके बारे में आपको मिंकेश भाई ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम लोग का जो स्टार्टिंग रेंज है RTX 3050 वो आपको स्टार्टिंग 60 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसा आप लेना चाहेंगे, जिस ब्रांड में आप लेना चाहेंगे, जैसा स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा हमारे पास। सारी रेंज अवेलेबल है, आप लेनो वो देखिए, डेल देखिए, कुछ भी देखिए, हमारे पास सारे लैपटॉप्स गेमिंग लैपटॉप्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके सर, तो अभी आते हैं नेक्स्ट। इसमें मैं देख रहा हूँ आपके पास लेनोवो के लैपटॉप्स अवेलेबल है, लेनोवो में GTX सीरीज में आपके पास अवेलेबल है, तो इसके बारे में हमें जरा बताना। अब ये जो आएगा आपको लेनोवो का राइजन 5 4600H, जिसमें आएगा आपको अगेन 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD और इसमें जो ग्राफिक कार्ड आएगा आपको 1650 का ग्राफिक कार्ड आएगा, 4GB डेडिकेटेड, और ये जो बजट जाता है आपका 56,000 में जाता है। ओके, और टॉकिंग अबाउट सर ऑफर्स, आप कोई स्टूडेंट ऑफर ये सारे कुछ रन करते हो? स्टूडेंट्स ऑफर वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पे, स्टूडेंट्स आईडी पे हम अराउंड 10% और 5% के अप्रोक्स डिस्काउंट अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिर कैरी करना पड़ेगा? कॉलेज आईडी या स्कूल आईडी और जो भी आईडी होगा स्टूडेंट आईडी, उससे उनका डिस्काउंट हो जाएगा। तो अभी आते हैं नेक्स्ट इस पे सर। नेक्स्ट इसमें मैं देख रहा हूँ एसर का आपके पास है, इंटेल कोर i7 में 11 जिन के आपके पास अवेलेबल है, तो इसके बारे में जरा बताना। ये है एसर नाइट्रो 5, ये कॉन्फिगरेशन आएगा आपको i7 11 जनरेशन। इसमें जो रैम आएगी आपको 8GB रैम है, 1TB SSD है और ये आएगा आपको GTX 1650 ग्राफिक के साथ। अब जिनको आप प्रोसेसर हाई लेवल चाहिए और ग्राफिक थोड़ा कम चाहिए तो उसके लिए ये एकदम बजट गेमिंग लैपटॉप है और इसका रेंज आता है आपको 80,000 तक। ओके, 80,000 में। और अगर इसमें देखने जाए RTX सीरीज में, RTX 3050 में देखने जाए तो कितना फर्क आ जाएगा? RTX 3050 में अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन लेने जाते हो Acer Nitro 5 में, तो जैसे कि ये 80,000 का, तो वो 88-89 के अप्रोक्स में आपको मिल जाएगा सर। तो सर मुझे जरा एक नॉर्मल चीज आपको जरा पूछना था रिगार्डिंग गेमिंग लैपटॉप्स, अभी गेमिंग लैपटॉप्स का मार्केट कैसा चल रहा है? गेमिंग लैपटॉप्स का मार्केट एक्चुअली में काफी ज्यादा डिमांड में है। अब जैसे कि नए प्रोसेसर्स और आ रहे हैं तो अभी आज की डेट में गेमिंग लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स एज वेल काफी ज्यादा डिमांड में है। और 12 जेन में जाए सर, अभी कैसा है ना, बहुत लोग 11 जेन कर रहे हैं बट 12 जेन भी अभी आए हैं मार्केट में, 12 जेन का कैसा रनिंग है लैपटॉप्स का? लैपटॉप्स का एक्चुअली अभी प्राइसिंग 12 जेन का काफी हाई है, तो इतना ज्यादा कस्टमर्स प्रीफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स है जिनको बजट होता है तो वो ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी एक बजट लैपटॉप बेचा था, i5 12 जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD, वो RTX 2050 के साथ था, जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है ग्राफिक कार्ड RTX 2050 के साथ। उसका मॉडल था Acer Aspire 5, अगर वो आप लेते हो तो वो आपको जाता है 60,000 के बजट तक, जिसमें i5 12 जनरेशन के साथ आपको RTX 2050 मिल जाता है। तो अभी आते हैं टफ सीरीज में। टफ सीरीज में मैं देख रहा हूँ सर आपके पास Asus टफ के अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल है और ये टफ सीरीज अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोग Asus टफ के बारे में पूछते रहते हैं, तो इसके बारे में हमें जरा बताना इसमें क्या क्या कॉन्फिग है। अभी इसके बारे से आप कंटिन्यू करेंगे मिंकेश भाई। हमारे पास Asus टफ में दो
साइजेस आपको अवेलेबल मिल जाएगा, 17 इंचेस और 15 इंचेस। पहले मैं 17 इंच के बारे में बताऊंगा। जो राइजन 5 है 4600H, जिसमें 6 कोर है, 12 थ्रेड है, 8GB ऑफ रैम आएगा, 512GB ऑफ SSD आएगा, विद GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड और 144Hz जो इसका रिफ्रेश रेट रहेगा। ये आपको पड़ेगा ओनली एंड ओनली 58,000। ओके, 58,000 में टफ सीरीज। और अगर इसमें देखने जाए सर RTX सीरीज, वैसे 3050 3060 में सर देखने जाए कितना फर्क आ जाएगा? आप 3050 और 1650 में देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, आप तो अराउंड 5 to 6,000 के डिफरेंस में मिल जाएगा। लेकिन आप 3060 देखने जाओगे तो वो मोर एक्सपेंसिव साइड में चला जाएगा आपको, राइट। लेकिन फिर भी वो भी मेरे पास अवेलेबल सारे मिल जाएंगे आपको। ओके, तो इसका अप्रोक्स एक रेंज बता सकते हो 3050 3060 के साथ? 3050 के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 57,000 का है तो 3050 के साथ आपको अराउंड 63 के आसपास मिल जाएगा, वही आप 3060 की रेंज में जाओगे तो आपको अराउंड 75 to 80 की रेंज में मिल जाएगा। ये हो गया टफ के बारे में। अभी आते हैं Zephyrus सीरीज के ऊपर। ये बहुत ही छोटा, टाइनी और बहुत ही प्रिटी लैपटॉप है व्हाइट सीरीज में। इसके बारे में हमें जरा बताना, इसका क्या स्पेसिफिकेशंस है? जी, ये एकदम छोटा और पावरफुल प्रोडक्ट है, मतलब इसके अंदर आप इजी टू कैरी कर सकते हो, इसमें गेमिंग कर सकते हो और लुक वाइज आप देख सकते हो कितना प्यारा है ये। इसका मैं कॉन्फिग भी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर राइजन 7 है जो 5000 सीरीज है, यानी 5800H, जिसके अंदर आपको 8GB ऑफ रैम मिलेगा और 1TB ऑफ पूरा SSD मिलेगा, और ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा 1650। ये आपको प्राइस पड़ेगा अराउंड 80,000 तक। और ये हो 1650 RTX सीरीज में आते हैं 3050 में। RTX 3050 आपको अराउंड 85 के आसपास आ जाएगा। ओके, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, 4 to 5,000 रुपीज का फर्क रहता है, 4 to 5,000। ओके, तो ये हो गया राइजन में। सर, किसी को अगर इंटेल में लेना रहेगा 11th Gen 12th Gen में, तो कितना फर्क आएगा राइजन और इंटेल में? राइजन और इंटेल में भी आप इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, अभी आजकल तो कॉमन हो गया है। तो उसमें आपको अराउंड, समझो आप जैसे i5 11th या i7 11th ले रहे हो इसके अंदर, तो आपको अराउंड इसमें भी 4 to 5,000 का डिफरेंस में मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया Zephyrus के ऊपर। वापिस हम लोग आते हैं टफ सीरीज में। ये टाइम इंटेल वर्जन है टफ सीरीज का, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है? ये आपको आएगा i5 11th Gen, जिसके अंदर आपको मिलेगा 6 कोर अगेन एंड 12 थ्रेड्स। आपको इसके अंदर 8GB ऑफ रैम मिलेगा, 512GB ऑफ SSD मिलेगा। इसमें आपको स्क्रीन साइज है 15.6, जो पहले वाला था 17 इंच है, ये 15.6 इंच है, और विद RTX 3050 ग्राफिक कार्ड। ये आपको पड़ेगा प्राइसिंग में 63,000 में ओनली। वाओ, मतलब 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। ओके, मतलब 3050 हम लोग 64,000 में अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके सर, तो अभी आते हैं पवेलियन सीरीज के ऊपर। पवेलियन सीरीज में देख रहा हूँ आपके पास 10th Gen में GTX 1650 के सीरीज अवेलेबल है। इसके बारे में हमें जरा बताना, इसके क्या प्राइसिंग रहेगी अभी? ये आपको आएगा i5 10th Gen, 8GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव, 256GB SSD, और इसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड मिलेगा वो NVIDIA का GTX 1650 डेडिकेटेड ग्राफिक मिलेगा, और ये जो आएगा आपको 144Hz स्क्रीन के साथ आता है। इसका प्राइसिंग जो जाता है आपको, वो जाएगा आपको 55,000 तक। ये एक सबसे बेस्ट, अगर इंटेल में किसी को बजट गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है बजट में। तो अभी आते हैं लीजन सीरीज के ऊपर। लीजन में आपके पास भी लीजन में वैरायटीज अवेलेबल है, तो इसके बारे में जरा बताना, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है? अब ये फिलहाल जो मेरे पास अभी रेडी जो अवेलेबल है वो है i5 10th Gen, जिसका मैं आपको डमी पीस बता सकता हूँ। बाकी तो रेंज हमारे पास लिनोवो लीजन की सारी अवेलेबल है, लेकिन वो सारी बॉक्स पैक है। अभी मेरे पास जो डमी पीस जो अवेलेबल है वो i5 10th Gen, इसमें जो आएगा आपको 8GB रैम आएगी, 512GB SSD आएगा, और इसमें जो आएगा आपको GTX 1650 NVIDIA का ग्राफिक आएगा, और ये आएगा आपको 144Hz स्क्रीन के साथ, और इसका जो प्राइस रेंज आएगा आपको 56,500। ओके, 56,500 फॉर GTX 1650। 3050 में आए, 3050 में कितना फर्क है? अगर आप लीजन लेने जाते हो तो लीजन आपको आ जाएगा 62,500। टॉकिंग अबाउट पवेलियन सर, पवेलियन में भी आपको पूछना भूल गया, पवेलियन में भी आपको 3050 मिल जाएगा। पवेलियन में आपको 3050 के साथ आपको आ जाता है 61,000 की रेंज में, आपको 3050 भी मिल जाता है। ओके, तो ये हो गए लीजन और पवेलियन सीरीज के ऊपर। अभी जरा महंगे लैपटॉप्स पे आते हैं, ROG सीरीज के ऊपर आते हैं। ROG सीरीज के, ये राइजन का सीरीज आपके पास अवेलेबल है, इसका क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा? ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये आएगा आपको राइजन 7 4800H, इसमें आएगा आपको 8 कोर 16 थ्रेड्स, और इसमें 8GB की रैम है, 512GB SSD विद RTX 3050 ग्राफिक के साथ है। इसमें Wi-Fi 6 अवेलेबल है, 144Hz स्क्रीन है, और ये Asus ROG Strix जो प्रीमियम सीरीज हमारा Asus में कहा जाता है, वो हमारे पास रेडी अवेलेबल है। इसका जो प्राइस रेंज है आपको जाता है 74,000 तक। 3060 के साथ आया तो कितना फर्क हो जाएगा? ROG Strix अगर आप 3060 के साथ जाते हो बजट काफी ऊपर चल जाता है, क्योंकि 3050 और 3060 में प्राइस रेंज में काफी डिफरेंस है। अब अगर यही सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाते हो 3060 में, तो आपका प्राइस रेंज जाता है अराउंड 95,000। ओके, 95,000 लाइक 1 लाख के नीचे ही होगा, आसपास तक का आपको ROG Strix में मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट ROG Strix पे आते हैं। ये आएगा आपको सबसे लेटेस्ट वाला है, ये है राइजन 7 6000 सीरीज प्रोसेसर, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, और ये आएगा आपको 6800H प्रोसेसर आएगा इसमें। ये आपको आएगा 16GB रैम, 1TB SSD, और इसमें जो ग्राफिक आएगा आपको RTX 3050 ग्राफिक आएगा। ये अगेन Asus ROG, अगर आपको उसका बैक का लुक देखना है तो
हम वो भी दिखा सकते हैं। इसके पोर्ट्स हम दिखा सकते हैं, इसमें आपको टाइप सी के दो पोर्ट्स मिलेंगे, HDMI का पोर्ट है, लैन पोर्ट है, और इसका लुक अगर आप पीछे से देखते हो काफी प्यारा दिया हुआ है। और ये इसका जो प्राइस रेंज है आपको जाता है 1 लाख तक। और इसमें से देखने जाए एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो, डाविंची, ये सब नॉर्मली चल जाएंगे, एकदम स्मूथली चलेंगे सर जी। अगर GTX 1650 अगर मिनिमम है और उसके ऊपर अगर आप RTX लेते हो तो और बेटर है, GTX में तो आराम से आपका काम हो ही जाएगा सर जी। तो अभी आते हैं Zephyrus सीरीज के ऊपर, ये भी एक प्रीमियम टाइप का लैपटॉप है और जरा महंगा है Zephyrus सीरीज ROG से, तो इसका क्या स्पेसिफिकेशन है अभी? ये मेरे पास जो है Ryzen 9 5900HX है, 16GB RAM, 1TB SSD और इसमें RTX 3060 के साथ ग्राफिक है इसमें। और ये जो है Asus ROG Strix है Zephyrus सीरीज का, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जब आप लैपटॉप चालू करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा 3D का एनिमेशन आएगा, यहाँ पे इसके विंड्स है और ये इसके पोर्ट्स है, यहाँ पे आपको टाइप मेमोरी कार्ड रीडर मिल जाता है, USB पोर्ट मिलता है, और इसमें और जो पोर्ट्स ये वो है दो वो टाइप सी पोर्ट्स है, HDMI है, लैन पोर्ट है, सारी चीजें है अवेलेबल इसमें। ये प्राइस रेंज जाता है 1,25,000 में। 1,25,000 मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स रहते हैं वो लोग ये प्रिफर करते हैं कि हम लोग ऑफलाइन ना आने आके ऑनलाइन ही बाय करें, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी डील्स रहती है, Amazon हो गया, Flipkart हो गया, वो बहुत सारी डील्स प्रोवाइड करता है गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर, पर आप जो प्राइजेस देते हो वो ऑनलाइन से कंपैरेटिवली सस्ते रहते हैं। 100% आप जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया है आप ऑनलाइन जाके Amazon पे या Flipkart पे उसके प्राइसिंग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, 100% आपको प्राइस बीटिंग ही मिलेगा। हम प्राइस कॉम्पिटेटिव देते हैं ताकि कस्टमर्स हमारे पास विजिट करें, और उनको चाहिए तो आप एक बार आके विजिट करके अपना कन्फर्मेशन भी ले सकते हैं सर। तो लास्ट लैपटॉप पे आते हैं अभी सर, लास्ट लैपटॉप में देख रहा हूँ आपके पास ZenBook Duo अवेलेबल है, इसके बारे में जरा बताना। ये Asus ZenBook Duo है, इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपको i5 11 जनरेशन है, 16GB रैम, 512GB SSD, और ये जो है बेसिक ग्राफिक है इसमें, MX452GB NVIDIA ग्राफिक के साथ आएगा, इसमें डुअल स्क्रीन है, ये आपका जो बजट जाता है 95,000 में जाता है। इसका जो आपको लुक देखना है तो हम पूरा लुक दिखा देते हैं, इसका बैक का लुक है, बहुत ही स्लीक लैपटॉप है, काफी स्लीक है, इजी टू कैरी है, और जिनका अगर एडिटिंग का काम है, जिसका डुअल स्क्रीन यूज होता है और उनको बड़ा पीसी ना लेके एक लैपटॉप में अपना काम करना तो आप इजीली इसमें कर सकते हो, इसमें आपका एडिटिंग का काम इजीली हो जाएगा। ओके सर, तो ये हो गए गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर, अभी आते हैं जरा मैकबुक्स के ऊपर, क्योंकि ना बहुत सारे एडिटर्स जो लोग हैं वो मैक प्रिफर करते हैं आज के टाइम पे, तो आप मैक में भी डील करते हो? मैकबुक में भी हम डील करते हैं, एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, एसएसडी से लेके लैपटॉप से लेके मैक स्टेशन एवरीथिंग आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीस है अभी आपको दिखाने के लिए, यह है मैकबुक एयर, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है M1 8GB 256GB SSD के साथ है। अब इसका जो प्राइस रेंज आपको मिलता है वो आपको 79,000 या 78,000 के रेंज तक मिल जाता है। तो सर हम लोग ने एक रेंज दिखा दिया लैपटॉप का, बेसिक लैपटॉप जो अभी के टाइम पे रनिंग चल रहे हैं, पर किसी को अगर एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन के साथ लैपटॉप चाहिए रहेगा, इनकेस अगर वो आपको व्हाट्सएप करते हो स्पेसिफिकेशन के साथ, वो आप अवेलेबल कर सकते हो? अवेलेबल भी हो जाएगा, उनको अगर कोई लैपटॉप की इंक्वायरी चाहिए या फिर कोई डिटेल जाननी है तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, प्राइसिंग भी मिल जाएगी आपको और अवेलेबिलिटी भी आपको बता दी जाएगी। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट शिपिंग कैसा रहेगा सर आपका? ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री है, जो भी प्राइसिंग हम देंगे फ्री शिपिंग के साथ देंगे। ओके, मतलब सारे लैपटॉप्स के साथ फ्री शिपिंग इंक्लूडेड है। ओके गाइस, सर का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट हिम। सर का व्हाट्सएप लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपका जो भी ब्रांड रहेगा, जो भी कॉन्फिग रहेगा, आप सर को मैसेज कर देना, आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आ जाएगा सर की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। गाइस, ये था कंप्लीट लैपटॉप्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू माय सेल्फ। बाय बाय।